स्कूल की प्रिंसिपल प्रभात शोभा ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्राओं को साइंस से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर सभी छात्राओं को चंद्रयान 3 का लैंडिंग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश के लिए बेहद गर्व की बात है। छात्राओं को इंडियन स्पेस एजेंसी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में यही बच्चे देश की कमान संभालेंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अंतरिक्ष में जाने का मन रखते हैं। मैं प्रभात शोभा, प्रिंसिपल GG SSS पलवल कैंप। हमारे लिए सबसे पहले तो देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि कल चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग जो है चंद्रमा पर की, और इसके लिए बच्चों को पूरी जानकारी हमने दे दी थी और आज उसका जो रिपीट टेलीकास्ट है बच्चों को स्कूल में दिखाया गया। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं विदेश में मीट में होते हुए भी उन्होंने अपने जो वैज्ञानिक हैं साइंटिस्ट हैं उनके साथ वो जुड़े रहे और उन्होंने देश की जनता को, साइंटिस्ट ने भी हमारे इस टीम में, इसरो की टीम में थे, उन सबको बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत मोटिवेट किया इस बारे में। और जिन बच्चों को आज ये दिखाया गया है वही हमारे देश के भविष्य हैं, उनमें से ही कुछ साइंटिस्ट भी बनेंगे आगे चल के। तो बहुत अच्छा ये कदम था कि बच्चों को मौका दिया गया कि आज उनको रिपीट टेलीकास्ट दिखाया जाए, तो हमने वो स्कूल में पूरी अरेंजमेंट्स की जिससे कि बच्चों को सारा दिखाया जाए। और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे जब उनको हमने प्रेयर में ये बताया कि ऐसे ऐसे आज शाम को ये चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को पता था और वो खुद इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे कि हम इस प्रोग्राम को देखें। और आज सुबह उन्होंने घरौंडा में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सब यूनिट सिटी के प्रांगण में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए SDO शहरी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सब यूनिट के प्रधान जय कुमार की अध्यक्षता में हुए इस धरना प्रदर्शन में कर्मचारियों ने SDO पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए। प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए प्रधान जय कुमार ने बताया कि कर्मचारियों ने SDO सिटी को कई बार अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र दिया, लेकिन लगातार मांग पत्र देने के बाद SDO सिटी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और न ही कर्मचारी संगठन से कोई बातचीत की, बल्कि दूसरे संगठन से मिलकर यूनियन के पदाधिकारियों व कर्मचारियों पर नाजायज दबाव बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो प्रदर्शन माना मांग पत्र दिया था SDO साहब को 10 तारीख को कर्मचारियों की मांगों के बारे में, जो कर्मचारियों की मांगों के बारे में जो मांग पत्र दिया था SDO साहब ने हमारे तक कोई भी बुलाने का टाइम नहीं दिया। और जो भी मामी अपने भी आप एक दो बार मिले तो अब शब्दों में बात करी मारता, मतलब एक दिंग मस्ती में बात करी मारता, भाई क्या कर लोगे मेरा, ये कर लोगे, मतलब जो SDO की बात होनी वो बात नहीं, मतलब यूनियन से बात करने का भी तरीका नहीं SDO का। तो किस प्रकार का मांग पत्र था, क्या मांगे थे? मांगे तो कर्मचारियों की TNP थी, जो टेक्निकल स्टाफ अंदर बैठा उसको बाहर करने की थी, और जो प्रधान जी को अपने रमेश प्रधान जी हैं यूनिट के प्रधान भी हैं, इनको चार्ज दे दिया गया धक्के से, फोरमैन है जेई का चार्ज दे दिया गया धक्के से, अपने राजकुमार LDC हैं उनको धक्के से चार्ज दे दिया गया कोर्ट केस का, मतलब यहाँ UDC बैठा जेई बैठे, मतलब उस चीज का कोई। हांसी ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन हांसी यूनिट के बिजली कर्मचारियों ने रेलवे रोड स्थित बिजली निगम XEM कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसकी अध्यक्षता प्रधान सुरेंद्र हुड्डा के द्वारा की गई। धरने का संचालन सचिव रोहतास शर्मा ने किया। हम लगातार ज्ञापन दे चुके हैं सब यूनिट के माध्यम से, SC के माध्यम से, और सरकार वार्ता नहीं करनी और ना निगम मैनेजमेंट समस्याओं का समाधान कर रहा। हमारा 35 सूत्रीय मांग पत्र है, उसको लेकर आज ये धरना लगाया गया है। इसके बाद हम 28 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो जोन सत्रीय कमिश्नरी पे आह्वान है वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, और उसके बाद हम अपने जो बिजली के जोन सत्र है चीफ कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। 28 तारीख को रोहतक कमिश्नरी पे है, 5 तारीख को हिसार कमिश्नरी पे है। गरीब यात्रियों के लिए रेलवे ने पानी की मशीनें लगाई है।
इन मशीनों से यात्री स्वच्छ पानी भर सकते हैं, जिसका भी बहुत कम दाम रखा गया है। स्टेशन निदेशक ने इस पानी की रेट लिस्ट के बारे में भी बताया कि कितने लीटर की बोतल का कितना पैसा देना है। इन्होंने बताया कि इसके लिए दो प्रावधान दिए गए हैं। अगर यात्री अपना बोतल में पानी भरना चाहे तो अपनी बोतल में पानी भर सकता है। अगर बोतल नहीं है तो भी वो वहां से पानी की बोतल ले सकता है। मशीन के ऊपर रेट लिस्ट लिखी हुई है जिसमें यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। वहीं पानी की गुणवत्ता के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समय समय पर हम इसको चेक करते रहते हैं। कुछ भी हो, रेलवे के इस फैसले से गरीब यात्री काफी खुश होंगे और स्वच्छ पानी पी सकेंगे। हर प्लेटफॉर्म पर, यानी एक नंबर प्लेटफॉर्म पर दोनों तरफ, एक इस कोने पर दोनों तरफ एक एक मशीन लगाई गई है और टोटल 6 मशीनें स्टेशन के अंदर रेलवे में लगाई हैं, जिससे यात्रियों, हमारे गरीब यात्री हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वैसे तो स्टेशन पर रेल नहीं अलाउड कर रखा, बेचता ही है, लेकिन कुछ जनता हमारी ऐसी भी आती है जो अफोर्ड नहीं खींच सकती है, तो उसके लिए रेलवे की तरफ से जो वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं उसमें दो तरह का प्रदान किया गया है। अगर आप स्वयं अपनी बोतल पानी भरते हैं तो अलग रेट हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से लेते हैं तो उसके अलग रेट हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपनी बोतल भी भर के देगा। आज नांगल चौधरी में गुप्त सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता व गुप्तचर विभाग के संयुक्त टीम द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ बिजली मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ नगरपालिका, तहसील कार्यालय व खंड कार्यालय नांगल चौधरी पर रेड की गई, जिसमें मुख्यमंत्री उड़न दस्ता से एसआई सतेंद्र, एएसआई सचिन, एएसआई कर्मपाल तथा गुप्तचर विभाग से एसआई जसवंत, एएसआई संदीप, एएसआई नरेंद्र, एएसआई प्रेम कुमार, सिपाही संजय मौजूद रहे। सत्य, सटीक, बेबाक।